अभी जो गाने की शूटिंग है आज उसका दूसरा दिन है, और कल से लेके आज तक में ये जो चेंज हम देख रहे हैं, कल तो अब हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, आज हॉट सेक्सी के साथ संस्कारी भी लग रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, संस्कारी मुझे नहीं लगता कि इंसान को कपड़ों से जांचना चाहिए। जो ग्लैमरस कपड़े पहनते हैं वो भी संस्कारी होते हैं, बट मेरे इसमें ऐसे सिचुएशन है कि मेरी जो रियल लाइफ में हो रहा मारपिटाई हो रही है, जिसकी चोटें लगी हुई पर बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत ही खुश लग रही हैं। अभी श्रद्धा से भी मिल लिया आपने? सब दोस्त हैं मेरे बॉलीवुड के ना, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और मैं कोई ड्रामे नहीं करती, मैं दुनिया को नहीं रोक सकती। श्रद्धा ने बहुत साथ दिया है और कहा है कि मैं जानती हूँ राखी को कि वो ड्रामा नहीं करती, क्या कहना चाहिए? मेरी तकलीफ, मेरे आंसू, मेरी दुनिया को नहीं बता सकती, को ड्रामा कहते तो कहे, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है वो ही जानता है, क्या कहूँ। देखिए ऐसे ये गाना आपके पर्सनल लाइफ पर है पूरी तरीके से, आपके लिए कितना आसान रहा, क्योंकि अभी जख्म आपके जो है दिल टूटने के बहुत ही ताज़ा है, और ऐसे में आपके उसी लाइफ पर गाना बनना, उसी को एक्ट करना कितना आसान है आपके लिए? मुझे डायरेक्टर एक बार बोलते हैं तो मैं तुरंत करती हूँ, बिकॉज जो जो मेरे साथ हुआ मेरे साथ इतना हुआ है, लेकिन गाने में इतना दिखाया जा रहा है, बहुत सारा प्यार हेटिंग तो थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, हुआ बहुत है, अब उतना उतने के लिए तो वेब सीरीज़ बननी चाहिए, मेरी बायोपिक बननी चाहिए मुझे लगता है, और अगर कोई अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं तो मुझे कांटेक्ट करें और मुझ पे मेरे पे बायोपिक बनाए, दुनिया देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हुआ है, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, कभी किसी के साथ बुरा ना। वैसे राखी मुझे एक मोमेंट याद है जब आपने सलमान खान के शो में जाकर सलमान से ये कहा था कि आपकी भाभी है वो भी एक आइटम डांसर है और मैं भी एक आइटम डांस करती हूँ, लेकिन तब भी लोग मुझे जज करते हैं और मुझे बुरा बोलते हैं, लेकिन वो आपकी भाभी है तो उनको बुरा नहीं बोलते, ये सारे मोमेंट्स है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरा तो मैं मीडिया के सामने रहती हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, ना अमिताभ बच्चन की बेटी हूँ मैं, ना अनिल कपूर की हूँ, मुझे ना किसी की भाभी हूँ ना कुछ हूँ, मुझे मीडिया जनता तक पहुँचाती है और मेरी बातों से जनता इम्प्रेस होती है और उन्हें कहीं मेरे में सच्चाई लगती है और मुझे पसंद करती है और मेरी गाड़ी चल जाती है, मेरी दाल रोटी चल जाती है और कुछ। लेकिन आपकी जब बायोपिक बनेगी तो आप अपनी स्ट्रगल को किस तरीके से दिखाना चाहेंगे? लोगों को देखना चाहिए एक बार मेरी बायो, एक बार तो देखना चाहिए। बिल्कुल, खुद एक्ट करना चाहेंगी या किसी से? नहीं, मैं खुद ही एक्ट करूँगी, देखते हैं, वेब सीरीज करेंगे, मैं खुद ही एक्ट करूँगी तो मेरे लिए आसान रहेगा। अब तो आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, प्रोडक्शन हाउस है आपका, प्रोड्यूसर बन गई, क्यों नहीं आप खुद अपने बनाएंगे? अभी तो आज़ाद हुई हूँ, पिंजरे से निकली हूँ, रादिल प्रोडक्शन को ब्रेक करती हूँ, राखी और आदिल के कुछ अच्छा दूसरा प्रोडक्शन नाम रखूँगी। आदिल को पछतावा होना चाहिए ज़िंदगी का, बहुत अच्छी बीवी थी मेरी, है, डाइवोर्स तो मैं दूंगी नहीं उन्हें, अगर बगैर डाइवोर्स के वो उनके माँ बाप उनकी कहीं और शादी कराएंगे तो मैं उन पर केस कर दूँगी, क्योंकि मैं भी तो बगैर पति के रह रही हूँ ना, मेरा उनके साथ एक ज़िंदगी जीने का एक सपना, बेबीज करने का, सब टूट गया ना, सब सपने टूट गए, कैसे जी रही मैं उसके बगैर, वो मेरा दिल ही जान, कितना टॉर्चर किया है उसने मुझे, मैं कभी भी मैं नहीं चाह रही थी उसको कभी जेल या कभी ये ज़िंदगी नहीं चाह रही थी, उनको उनको कंप्लेंट करने के आखिरी तक मैं कह रही थी जान वापस आ जाए, जान वापस आ जाओ, आदिल वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी आदिल, उसने कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसने पहले से ही ईरानी लड़की से वादा कर लिया था सारे शोज़ के लिए, फेम पाने के लिए, उसने मुझे 1% भी प्यार नहीं किया,
तो शादी क्यों की, जिंदगी क्यों खराब करी मेरी, पैसा पाने के, फेम पाने के, नेम पाने के। अब क्या पाया तुमने, जितना ऊपर चढ़े थे उतना ही धाड़ करके गिरे, इसलिए उड़ो उतना ही, ऐसा मत उड़ो के जमीन पर गिरो जोर से। जो हमने ऑडियो सुना था उसमें रोशना से वो कह रहे थे कि बिग बॉस में जाने वाली बात, क्या बिग बॉस तो खत्म हो गया, वो नहीं जा पाए, और बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं जा पाए। वायाकॉम 18 ये सब लोग उनको नहीं लेंगे, वो ऐसे गंदे इंसान को नहीं लेंगे, फेमस नहीं करेंगे। जिसने, मैंने हमेशा बिग बॉस में अपनी जान दी है, आगे बढ़ाया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन्हें ऐसे, बिग बॉस को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ और मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों आर्टिस्ट है जो बिग बॉस सुपरहिट कर सकते हैं। तो राखी अभी अभी आर्या को देखकर आपको फिर शादी करने का मन कर रहा है? नहीं, मेरा, मुझे संसार में रहना, पति, बच्चे, सास ससुर, खुशियाँ, अकेली जिंदगी जी नहीं जाती, बट ठीक है। बट आदिल ने जो किया है उसके बाद आप बहुत अलर्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। अब विश्वास नहीं रहा ना, अब कोई भी शादी ऐसा ऑफर करेगा, ओह मेरे को यूज़ करना चाह रहा है, यू नो, ओह हो अच्छा अच्छा इसको कुछ चाहिए करके, अब विश्वास नहीं रहा। तो कल आप दुबई जा रही हैं राखी, किस लिए जा रही हैं? कल आओ ना, सरप्राइज है, ऐसे गेटअप में मत लो, कल आप आओ, कल एयरपोर्ट पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।